हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज हम देखने वाले हैं ड्रेक्स के कुछ फनी मोमेंट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? दुखता है। दुखता है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस गेंडे की खाल तो बहुत से कुछ ज्यादा ही सख्त है, इसे अंदर से चीरना होगा। नहीं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने अकेले ही इस शैतान को फाड़ दिया। क्या ये क्या कर रही हो? मुस्कुरा रही हूँ। सुना है मुस्कुराने से आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसे मुस्कुराना नहीं डराना कहते हैं। मैं पहली बार अपनी जान से सालसा क्लास में मिला था। वहाँ का म्यूजिक ऐसा था कि सब थिरक रहे थे सिवाय एक के। दुनिया का कैसा भी संगीत बज रहा हो, वो जड़ की जड़ ही रहती थी, सांस भी नहीं लेती थी। कभी कभी तो लगता था कि निपट लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो नाचते हैं, दूसरा जिनका आंगन टेढ़ा होता है। तुम्हें एक ऐसा हम सफर चाहिए जो तुम्हारी तरह वाहियात हो। क्या मैं तुम्हारी डॉगी को पुचकार सकती हूँ? कितना प्यारा है। हाँ। इसे कहते हैं उल्लू बनाना। मुझे लगता है तुम्हें खराब नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने 2G का टावर साथ में लेकर घूमती हो। कर लो ब्रह्मांड मुट्ठी में। हाँ, और अगर ये 2G 4G का चक्कर नहीं भी है तो भी घर पर केबल टीवी देखने के काम तो आती होगी, है ना? ये कोई नेटवर्क पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अरे इसने सबके सामने अभी तुम्हारी पोल खोल दी। टकले, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चल चल मार, तुम्हारे गाल तक लाल हो गए देखो। लोगों के पास प्यारे पेट्स होते हैं। ईगो ने तुम जैसी बदसूरत को क्यों पाला? क्या मैं बदसूरत हूँ? तुम्हें देख कर तो शैतान भी डर जाएगा। पर ये भी एक खूबी है। अच्छा, इसमें सब कुछ है क्या? क्या यार, ये कैसे सवाल पूछ रहे? अगर इसमें सब कुछ नहीं है तो तुम पैदा कैसे हुए? तुम्हारी मम्मी मम्मी कैसे बन गई? अरे अरे यार, तू मुझे तेरी बायोलॉजी क्लास में कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा सबर करो। क्यों? हमारे में तो पूरा कुनबा एक साथ बायोलॉजी की प्रैक्टिकल क्लास करता था। अगर तुम बदसूरत हो और फिर भी लोग तुम्हें प्यार करते हैं, मतलब सच्चा प्यार है। वरना सुंदर लोग सच्चे और झूठे प्यार में फर्क ही नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बदसूरत हूँ। माफ करना, पर मुझे हमेशा से हट्टी कट्टी लड़कियाँ पसंद थी। क्या? तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें बदसूरत कहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस बारे में सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है। तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती। वैसे भी मुझे बिना बाल वाले मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार, तुम तो पर्सनल हो रही हो। चुप करो। तो उसे लोरी गा के सुना सकती हो ना? सिर्फ जब वो चाहे। वो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे करूं? तुम्हें खुद पर भरोसा हो न हो, पर मुझे तुम पर भरोसा है। रुको जरा, सबर करो। जितनी कमजोर और नाजुक लगती है, मुझे लगा नहीं था कि ये कर पाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं? मैं हरामी हूँ। ट्रैक्स, मैट्रिक्स को ले जाओ।